नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम आहन पूजा। रीवा के खस्ता हाल सड़कन और विकास के नाम पर रीवा से रतहरा मॉडल सड़क जो सालन से बनत लाही, जोने माही जगह जगह चैम्बर खुले हैं। उड़े वाली धूल, जाम और आए दिन होए वाली दुर्घटना से जनता बेहाल है, लेकिन न तो सड़क पूरी हो और न लापरवाही कम हो रही। जहाँ लोगन के सांस ले मुहाल है, एक तरफ जहाँ जनता त्रस्त है, वहाँ ठेकेदार मस्थमा। यह सब मुद्दन का लेके किसान नेता सुब्रत मणि प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपे हैं। अपनों को सुनाए किसान नेता के का कहवा है। आज हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। आप देख रहे हैं कि रीवा से रतहरा मॉडल सड़क का नाम दिया गया है। 4-6 सालों से बन रही है सड़क, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, धूल है, डस्ट है, और आप देख रहे हैं जो चैम्बर बनाए गए हैं वो चैम्बर पूरी तरह से खुले हैं। तो आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय नितिन गडकरी जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कि 20 सालों में जब ये नेशनल हाईवे में थी तब से लेके आज तक कितनी बार टेंडर हुए हैं, किस ठेकेदार ने इस रोड को बनाया है, अभी वर्तमान में किसके नाम टेंडर है, और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। धूल डस्ट से लोग मर रहे हैं, जाम से रेवांचल से लेके कई गाड़ियां छूट रही हैं, एम्बुलेंस फंस रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले सुअर से टकरा जाने के बाद से 2 बेटियां और 1 बेटा घायल हो गया। लगातार पशु धन भी की हानि हो रही है और लगातार मौतें हो रही हैं, और जो चैम्बर खुले हुए हैं अगर उन चैम्बरों में कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं हम पर्यावरण, अपने यहां के पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड रीवा से मांग करते हैं कि आप इसकी जांच करवाइए। हवा में क्या हवा सांस लेने लायक है, यहां पे धूल से लोग परेशान है जो मोटरसाइकिलों से चलते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है, माननीय नितिन गडकरी जी से हमने ये ज्ञापन भेज के मांग की है कि एक उच्च स्तरीय दल, केंद्रीय दल भेजिए, इस सड़क निर्माण की जांच करवाइए, दोषी अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस रोड को तत्काल बनाया जाए। ये रोड आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता, समझ से परे है कि हमें तो यह लग रहा है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण के कारण हमारे यहाँ के प्रशासन के लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते और आम आदमी मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक बार हम लोगों ने इसके लिए हाईवे जाम किया था तो हमारे ऊपर बाबा डेडू जी के ऊपर और चंद्रमणि शुक्ला जी के ऊपर यहाँ पे मुकदमे लगा दिए गए थे इस रोड के निर्माण के लिए। तो जब आम आदमी रोड में आता है और कहता है कि ये रोड बननी चाहिए तो उसके ऊपर मुकदमे लगा देंगे, और ठेकेदारों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते, ये समझ से परे है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, जो चैम्बर खुले हैं उन चैम्बरों को ढका जाए, जो भी दोषी उनको दंडित किया जाए, ठेकेदार से लेकर कर्मचारी तक। पूर्व मंत्री और महाराज पुष्पराज सिंह आज प्रेस वार्ता के आयोजन करें, जोने माही जानकारी दीहीन के सवर्ण स्वर भारत संगीत कार्यक्रम जौन आजादी के अमृत महोत्सव से प्रेरित है। ओकर प्रसारण जी टीवी और जी अनमोल के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म में हफ्ता में 2 बेर इंच जय जौन के 173 देशन में 26 हफ्ता तक चली। यह भारत का विश्व गुरु बनावे के लक्ष्य के तहत कीन गए एक पहल आए, जौन के भारतीय आध्यात्मिक चिंतन और भारतीय संस्कृति के धरोहर के एक ठियाना हुई। सुनी पुष्पराज सिंह का कहें। फैदम पिक्चर्स के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि उनका एक बहुत बड़ा टीवी प्रोग्राम शुरू होने वाला है और जिसका नाम है स्वर्ण स्वर भारत। आज़ादी के महोत्सव पर प्रेरणा लेते हुए और उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि भारत को किस प्रकार से विश्व गुरु बनाया जाए, ये जो सीरियल है लगभग विश्व के 173 देशों में दिखलाया जाएगा। जी टीवी, जी अनमोल, उसके साथ साथ उसके डिजिटल्स और 173 देशों में ये सीरियल 1 घंटा का हफ्ते में 2 बार दिखलाया जाएगा। खुशी की बात है कि बहुत सारे विचारों के बाद, और चूँकि जो टीम उसमें काम कर रही है, भिन्न भिन्न जगहों पे मैंने उनके साथ काम करा है, और वो मेरी दखलंदाजी या मेरी मोहब्बत शास्त्रीय संगीत के प्रति या लोक संगीत के प्रति या हमारे धरोहर और कल्चर के प्रति जानते हुए, उन्होंने मुझे अपने शो का ऑनररी कल्चरल एडवाइज़र बनाया है, सलाहकार।
रीवा जनसुनवाई के हाल दिने दिन खराब होतला है। मंगलवार का होय वाली जनसुनवाई अब बस खाना पूर्ति बन के रह गए है। न्याय के आशा में आए लोग खाली कार्रवाई के आश्वासन लेके लौट जाए का विवासमा। यहां तक के जांच उन्हीं अधिकारियों के लगे जाती जिनकर शिकायत पीड़ित बड़े अधिकारियों से करत हमा। ज्यादातर मामलन में जमीन जागा मारपीट और पुलिस के लापरवाही के होता। इसकी बात है, मेरा बच्चा और मेरा भतीजा संदीप साकेत बेड़ा गए थे, बेड़ा से वापस आ रही थी तो रास्ते में ट्रैक्टर वाला उनको जानबूझ के ठोक दिया। तो फिर गए दोनों लोग, फिर गिरने के बाद ट्रैक्टर वाला खड़ा करके उन दोनों को जानबूझ के क्यों ठोका? विवाद रहा ना पहले। क्या विवाद था? विवाद थोड़ा हुआ था बच्चे लोगों से। कहाँ से आन है? तो मनगमा के लगे मुझसे मरी कला से मरी गया है। क्या घटना हुई है? घटना यह हो गया, खाने कमाने गए थे, एसपी कलेक्टर लोग रहे मेहरिया का मरवा डरे, घर द्वार हमारी नहीं मिली, आज तक मैं भटकिल्ला है। बहुत लोग जो है ये ब्रिज कुमार वगैरह गुंडा लगा के मरवाए हैं, रिपोर्ट करने गए थे, खेत बोने जा रहे थे तो रिपोर्ट करने गए तो रिपोर्ट किए, रिपोर्ट करके लौट रहे थे तो ब्रिज कुमार का लड़का सोनू और श्रीनिवास गुंडे लगा के जो है रास्ता एसडीएम तहसीलदार द्वारा जो है दिया गया है सर, और अपर कलेक्टर के यहाँ जीत हुई है, लेकिन अभी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देशमुख पांडे रीडर है एसडीएम के, और यहाँ मारे कौन मारा है? सतानंद और उमेश कुमार शुक्ला। किस कारण से? रास्ते के लिए रास्ता नहीं, लोगों लोग रास्ते में बारी फेंक दिए थे, उसको हटा रहे थे, इसके लिए मारे। एक माँ अपने लड़कन के जान बचावे खातिर कोनो हद तक जा सका थी, एकर प्रमाण मिला सीधी के कुसमी में, जहां इतवार शाम का किरण बैगा अपने लड़कन के साथ अलाव तापत रही। पीछे से तेंदुआ आबा और बगल में बैठा राहुल का जबड़ा मां दबाई के जंगल में भागा। तब हतारी अपने जान के परवाह करे बिना लड़का के जान बचावे खातिर तेंदुआ से भिड़ गए और थोड़ी देर में अपने लड़का का मौत के मुँह से निकाल ली। ये घटना में माँ और बेटा दोनों जख्मी हो गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। एफआरबी वाहन प्रशासन का इस दिन का रहा कि घटना के जानकारी लगता है वो मौका में पहुंचा और ओकर सूचना वरिष्ठ अधिकारी का दें, लेकिन हो तो उल्टा रहा है। मामला घोघर मोहल्ला के आए, जहां शराब के नशा में धुत लोग दंपति के साथ मारपीट करी। जो के जानकारी पुलिस का दिन गए तो एफआरबी कर्मचारी कार्रवाई के बदले पहले एफआईआर दर्ज करावे का कहिन और तौर कार्रवाई नहीं करें, अन्ना आरोपी इनका पकड़े। तब जाए के दूसरे दिन पीड़ित शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ितन के यह आरोप है कि पुलिस वाले उनका गरियो भे हम। सुनी पीड़ित के का कहवा है। दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं, बोल रहे वो बताओ नहीं, वो नहीं किए आप किए बताओ इनको बताओ 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 ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट मत करो बोलो सब बोलो बनाओ वीडियो बनाओ, बोलना कि उनको नहीं निकालेंगे बाहर, रिपोर्ट मत करो बनाओ बनाओ। और वही ज्ञान मेमोरियल स्कूल के में ही एक किराएदार रहता है जिसका योगेंद्र पटेल नाम है, किराएदार है वो। अब रात को कल हमारे बच्चे का जन्मदिन था तो मेहमान आए हुए थे, तो वही गैलरी में हम लोग छोड़ने गए हैं रास्ते में ही, तो अगला व्यक्ति पी खा के खड़ा हुआ था और हम लोगों से बातचीत ये करने लगा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों भीड़ लगाए हो। तो हमने बोला भाई अभी हमारे घर के सब मेहमान आए हुए हैं, आप आपसे क्या मतलब, कोई दिक्कत है? बोली दिक्कत नहीं, तुम हमको नहीं पहचानते हो। हम बोले भाई नहीं पहचानते, हम भी तो यहीं पे रहते हैं। हो गया, इतने में वो गाली गलौज करने लगा, लपटने लगा, मारपीट करने लगा। इसके बाद हम लोग छुड़ा उड़ा के किसी तरीके से वहाँ से चले आए। फिर योगेंद्र पटेल के छः लड़के आए हैं लाठी डंडा लेके, छः सात लड़के आए हैं। ये कौन है योगेंद्र पटेल? योगेंद्र पटेल वही किराएदार है, ज्ञान मेमोरियल में किराएदार है, वो स्कूल में रहता है। फिर उसके दोस्त आए हैं छः सात लोग लाठी डंडा लेके। तो हम लोग मेहमान को छोड़ के जैसे ही रोड से अंदर आने लगे तो ये लोग हम लोगों के ऊपर लाठी की बरसात कर दिए। कल जब हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया था, 100 नंबर को फ़ोन लगाने के बाद वो आए तो मैंने उनको बोला यहाँ मुजरिम अंदर बैठे हुए हैं तो आप उनको पकड़ लीजिए। तो वो बोले पहले FIR करवाओ फिर इसके बाद हम पकड़ेंगे, और इस तरीके से मतलब वो 100 नंबर वाले बात कर रहे थे, हमारी बात को मतलब सुन ही नहीं रहे थे। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बखेली में। नमस्कार।